तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आजकल बड़ा चल रहा है ना थ्रीसम, थ्रीसम समझते हो, तीन लोग आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं उसको थ्रीसम बोलते हैं। इफ यू डोंट नो नाउ यू नो, ऐसे बहुत सारा चल रहा है, फाइव पता नहीं कितना। ऑलराइट गाइस, सो आजकल बड़े अजीब अजीब डाउट आ रहे हैं, पर आवर ड्यूटी इज टू मेक वीडियोस। ओके, तो डाउट आया है कि सर भाई मैं राजी हूँ, मेरी वाइफ राजी है, कि भाई मेरी वाइफ राजी है कि गर्लफ्रेंड को रख ले घर में, यानी कि एक बंदा अपनी पत्नी को भी रखना चाहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी रखना चाहता है, तो क्या ये सब लीगल है या नहीं? सो देखो, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिडन इन वन वर्ड, कंसेंट। अगर आपकी वाइफ राजी है, ठीक है, आपकी वाइफ राजी है कि हाँ इसको रख ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी राजी है, पति पत्नी और वो, अगर वो भी राजी है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आजकल बड़ा चल रहा है ना थ्रीसम, थ्रीसम समझते हो, तीन लोग आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं उसको थ्रीसम बोलते हैं। इफ यू डोंट नो नाउ यू नो, ऐसे बहुत सारा चल रहा है, फाइव पता नहीं कितना कितना, ठीक है, तो आप रख सकते हो। मतलब कंसेंट की बात है यार, देखो सारी बात कंसेंट की है। तुम कभी रेप केस को उठा लो, कभी भी कोई चीज़ उठा लो, इसने मारा उसने मारा, सारी बात कंसेंट की है, ठीक है। प्यार से तो तुम किसी का कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हारी वाइफ भी राजी है, तुम्हारी बंदी भी राजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कंसेंट वो सब तुम देखो कि भाई कंसेंट वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ये सब तुम लिखवा नहीं सकते कि भाई हम रहना है, और क्योंकि यार ये चीज़ ना कंसेंट वाली है, इसको लिखवा भी लोगे तो वो बाउंड नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि ना फिर इलीगल, सॉरी लीगल केसेस में ना, जैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं, कल को तुम उसको मारो पीटो और तुमने बोल दो भाई इसने तो लिख के दिया था, केस नहीं कर सकते, तो वो वर्ड होता है, वर्ड इन द सेंस जीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे लोग रहते हैं, देखे हैं मैंने, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, और उसकी बंदी भी रह रही है उसी घर में, उसी घर में, तो तुमने कभी देखा होगा दो शादी कर रही हैं, क्या पता वो लिव इन में रह रही है एक के साथ और एक से शादी कर रही है। शादी नहीं कर सकते, बस तुम वैसे रह सकते हो। सो आई होप यू गॉट योर आंसर, आपको अपना आंसर मिल गया होगा, बस ये कि कंसेंट, कंसेंट का ध्यान रखना, इट मस्ट बी एक्सप्रेस इंप्लाइड वट एवर इट इज, बट कंसेंट इज नेसेसरी। ओके, ये नहीं कि तुम जबरदस्ती ला के रख रही हो, वाइफ राजी नहीं है फिर भी चला रहा है, वो सब कंसेंट है यार। अब तुम देखो ये सब मैंने बता दिया लीगल है, कंसेंट से है तो लीगल है, अगर कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। ओके, सो आई होप इट इज गुड, बाय।